हमारे साथ जैनुल आबेदीन भाई हैं जो पिछले 31 दिन से हड़ताल पर हैं, और मैं आज इनसे पूछूंगा कि आज जो लोग हमारे यहाँ आने वाले डेलीगेशन था वो आए तो उन्होंने क्या मैसेज दिया और आप उसमें उससे कितने सेटिस्फाई हैं? अभी पहुँचे नहीं है वो लोग, ये लोग तो फर्जी थे जो आए थे। ये कौन लोग थे पता नहीं, तो ऐसे कोई भी आके हमारा स्टेज शेयर कर लेगा? ये ह्यूमन राइट कहते हैं, ह्यूमन राइट्स यूएनओ का आना था लेकिन हाँ। ये ह्यूमन राइट के आ गए। अच्छा, अभी फिलहाल यूएनओ वाले अभी आए नहीं है। अच्छा, इंडिया का ह्यूमन राइट। जी जी इंडिया। तो जनरल भाई आपकी हालत तो बड़ी खराब होती चली जा रही है, आप क्या मतलब आगे ऐसे कब तक रहेंगे भाई? कुछ अपनी सेहत का भी तो ख्याल होना चाहिए। सेहत का क्या है? ओए वसीम भाई, ये लोग तो क्रांतिकारियों की शहादत मांग रहे हैं, हम शहीद होने को तैयार हैं, हम भी अपना नाम इंडिया गेट पर लिखवाएंगे लेकिन मासूमों पे और अपने आप पर अत्याचार नहीं होने देंगे, और इस कानून का विरोध कर रहे हैं। जब तक ये रद्द नहीं होगा जब तक ये अनशन ऐसी जारी रहेगा और ये धरना ऐसी चलता रहेगा। तो आप इस धरने से जो पब्लिक आज कम से कम 3-4 लाख पब्लिक यहाँ पे है, आप आवाम में मतलब क्या देख रहे हैं? आवाम में जोश तो बहुत ज़्यादा है मगर सरकार हमारी कोई नहीं सुन रही है। सरकार ने अभी भी कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया सरकार की तरफ से कि हम इस बिल में कुछ करेंगे, तरमीम करेंगे या कुछ करेंगे। तो आप क्या कहना क्या चाहते हैं? आप आज नहीं आया कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, नहीं तो एक दिन वो आएगा जब जनाजा उठेगा, जब इंकलाब आएगा और सरकार जल्द ही हिलेगी। तो आप पूरे इनकलाब में इसमें आप पूरी अपनी जान तक लगाने के लिए इसमें तैयार हैं? बिल्कुल। देखिए हमें अपने ऐसे ही जवानों से सबक लेना चाहिए जो हमारे देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये हमारे साथ जैनुल आबेदीन साहब थे जिन्होंने 31 दिन से ये अनशन पे हैं, ये कुछ खा नहीं रहे हैं, और ये बहुत अच्छा मैसेज है हमारे ओखला से जाना जिसमें इतनी पब्लिक है। और मैं आगे आपको फिर मिलवाऊंगा फरमाने तक। ये देखिए अपने पैरों में जंजीरें डाल के आया और ये यहाँ पर जो है एनआरसी और सीएए के खिलाफ आए हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि आप यहाँ पे एक जो करके आए क्या मतलब कितनी आए? हम बताना चाहते हैं कि कैसे ये हालत होगी, बोलिए बोलिए। हम बताना चाहते हैं कि डिटेंशन कैंप के अंदर ये हालात हो जाएगी, इसलिए चाहे हमें जेल में डाल दो चाहे फांसी दे दो लेकिन कागज हम नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर जो आप आए हैं आपका जो मोदी सरकार ने आपको मतलब बिल बनाया है उसके खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं ये कानून वापस ये आए, ये काला कानून है, इसके खिलाफ हम मैदान पर उतरे हैं और जब तक रहेंगे जब तक ये काला कानून खत्म नहीं हो जाता। ये वसीम साहब थे जामिया के और इन्होंने जो है अपना हाथ पैर जो है पूरे जंजीरों में जकड़ लिए हैं और इनको जो है जंजीरों में जकड़ के ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जामिया के जो प्रोटेस्ट है उसमें शरीक हैं और इसमें ये अपना एहतजाज दिखा रहे हैं। आज ये
कागज नहीं दिखाएंगे कि उनवान से एस डी बी आई और के तमाम ये झंडा तिरंगा रैली ये लोग निकाल रहे हैं। और इसमें हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हैं जो एस डी बी आई के ओखला कैंडिडेट हैं, और डॉक्टर नवेद साहब है, और ये इसमें काफी लोग हैं। मैं डॉक्टर साहब, ये आज जो आप ये रैली कर रहे हैं ये इसका क्या मकसद है? ये पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहा है सीएए के खिलाफ और एनआरसी के खिलाफ। उसी प्रोटेस्ट का एक हिस्सा ये भी है कि हम जामिया के साथ, जेएनयू के साथ और अलीगढ़ मुस्लिम और जितनी तमाम यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स ने एक मुहिम छेड़ी है और हिन्दुस्तान भर के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बाहर निकले हैं कि इस शहरियत के तरमीमी बिल के खिलाफ एनआरसी और एनपीआर, तो उसी से इजहारे यकजहती करने के लिए ये रैली भी निकाली जा रही है ताकि आवाम के अंदर बेदारी मौजूद रहे और तहरीक किसी सूरत भी ठंडी ना हो और मुस्तकिल जारी रह सके। ये आपका ये समझ लीजिए चुनाव अभियान आज से शुरू है? नहीं, चुनाव से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जो एक पूरा एक प्रोग्राम है एस डी बी आई के थ्रू। आप एस डी बी आई के बैनर से आप ये निकाल रहे हैं तो? और एस डी बी आई का बैनर नहीं है, ये कॉमन बैनर है, एस डी बी आई का बैनर नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि एस डी बी आई ने मुल्कीर सतह पर एक मुहिम छेड़ी है जिसका कल हमारे सदर ने इनॉग्रेशन किया है कि डोर टू डोर जाके और एनआरसी के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ लोगों के अंदर बेदारी पैदा करेंगे। ये 5000 शहरों में ये पूरा एक पूरी एक मुहिम है जो चला नहीं है, और इस मुहिम की शुरुआत जरूर एस डी पी आई कर रही है, फैसला एस डी पी आई का है, लेकिन इसमें तमाम दीगर तंजीमें जो भी हम ख्याल तंजीमें हैं वो सब इसमें मुआवनत करेंगी और इसमें शिरकत करेंगी। जैसे आप ओखला से एस डी पी आई के उम्मीदवार हैं तो आप ओखला के अवाम के लिए क्या करेंगे? नहीं, वो जब आप इलेक्शन के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा बता दिए, अभी बता दिए। नहीं, वो उसी वक्त बात होगी, ये अभी अभी कबल अज वक्त है। नहीं, कबल वक्त नहीं, क्योंकि देखिए सारे कैंडिडेट आ रहे हैं कुछ ना कुछ। नहीं, वो आ रहे हैं तो उनको बात करने दीजिए, हम लोग अपने वक्त पे बात करेंगे उसका, जो खास वक्त होगा। आगे बढ़ाए यार। एस डी बी आई की आज रैली यहाँ से निकाल रहे हैं ये लोग, झंडा रैली है इनकी, इसमें फ्लैग सबके हाथों में है। और जैसा भी आपको तस्लीम रहमानी साहब ने बताया कि 5000 शहरों में ये झंडा रैली निकलेगी, इसमें काफ़ी तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं। मैं इसी से जुड़े हुए हमारे एस डी पी आई के वार्ड के अध्यक्ष में अध्यक्ष नहीं तो आप बताइए रैली निकालने का क्या वो है? देखिए, रैली निकालने के पीछे जो मकसद है, आजकल एनआरसी और इस पर पूरी तरीके से चर्चा चल रही है सी डबल ए के ऊपर, तो यहाँ पे एक कैंपेन बनाया है कि कागज़ नहीं दिखाएंगे का मतलब ये है कि ये मुल्क हमारा है, हमारे आबो अजदाद का है, इस मुल्क के अंदर हम लोगों की कुर्बानियां हैं, हमें यहाँ पे किसी को भी सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे अपनी सनद दिखाएंगे, कि आपको ये बताना पड़ेगा कि हम क्यों अपनी सनद दिखाएं, मतलब कुल मिला के बात यह कि हम अपनी सनद क्यों दिखाएं। तो हमारा ये कैंपेन है और ये कैंपेन इंशाल्लाह हम लोग बहुत दूर तक लेके जाने वाले। ये अपने आपकी पार्टी की भी वो है, आज से बिगुल बजा रहे हैं आप इलेक्शन की प्रचार का? नहीं, इसको बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, ये बिल्कुल नहीं है, ये एक सिंपल एक रैली है, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब की क़यादत में चल रही है, ये एक रैली है, तो इसको बिल्कुल नहीं कहा। तस्लीम रहमानी साहब तो आपके कैंडिडेट है ना, तो आप उनको प्रमोट करने के लिए? देखिए, प्रमोट करने वाली बात यहाँ नहीं है, ये एक अवामी मूवमेंट है, तस्लीम रहमानी साहब भी एक कहीं ना कहीं अवाम का हिस्सा है, तो बस ये है कि वो लीड कर रहे हैं। शुक्रिया। चलिए शुक्रिया।